पेपर लिख रहे हो तो बड़े टफ वर्ड्स हैं, तो स्पेलिंग्स एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए, सिर्फ स्यूडोपोडिया देख के नहीं, उसको एक बार बिना देखे लिखो घर में पढ़ते समय, तब वो याद होंगी स्पेलिंग्स। ठीक है, चलो हार्ट स्टार्ट कर दिए थे। हार्ट आदित्य आवाज आ रही है? यस सर। ओके, क्या लिखे थे? कुछ उसके साइज, शेप, पोजीशन। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम एक लेयर होता है इसके ऊपर। मान लो ये हमारा हार्ट है, राइट, इसके ऊपर एक पेरिकार्डियम करके एक लेयर होगा जो हमारे हार्ट को मैकेनिकल शॉक से बचाएगा। यही लास्ट लाइन था, देखो एक बार। पेरिकार्डियम, कार्डियक वर्ड मतलब हार्ट, तो पेरिकार्डियम। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना। इंटरनली द ह्यूमन हार्ट इज फोर चेम्बर्ड। इंटरनली ये तो बाहर का अपन बात कर ले कि मस्कुलर है, फिस्ट शेप का है, मतलब फिस्ट साइज का है, बाहर पेरिकार्डियम है। ठीक है, अब हम अंदर की बात कर रहे हैं कि इंटरनली द ह्यूमन हार्ट इज फोर चेम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट इज फोर चेम्बर्ड एंड हैज टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स। बैग में चले थे ना, सोना चांदी के बैग। And has two auricles and two ventricles. And has two auricles and two ventricles. ठीक है, two auricles and two ventricles. पहले auricle के बारे में लिखते हैं। auricle का क्या काम है ना? auricle सब इन डालना, auricle। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? ब्लड के बारे में पढ़े थे कि ब्लड के दो कॉम्पोनेंट है, प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स, जिसको अपन सेल्स बोल रहे थे। सेल्स में तीन टाइप के सेल्स पड़े थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फिर हमने सेकेंड बात की थी ब्लड वेसल्स की, we talked about arteries, veins and capillaries. Arteries और veins में बहुत सारे डिफरेंस के पॉइंट हमने देखे थे, राइट? और अब तीसरा अपना हार्ट चल रहा है। ठीक है, तो पहला ऑरिकल के बारे में लिखना। ऑरिकल को ना एट्रिया भी बोलते हैं, तो ऑरिकल जहां लिखे हो ना उसके ब्रैकेट में एक और उसका नाम लिख लो, ऑरिकल के बाद ब्रैकेट में एट्रिया, ए टी आर आई ए, एट्रिया, अनदर नेम फॉर ऑरिकल। ठीक है, हाँ, एओर्टा तो एक टाइप ऑफ आर्ट, ये ऑरिकल है एओर्टा, जिसको जो मैं कल बताया था ना कि एओर्टा आपका सबसे लंबा आर्ट होता है, आर्टरी, वो तो एक तरह का वो है, आर्टरी है एओर्टा, इज अ आर्टरी, इट इज नॉट अ ऑरिकल। ऑरिकल तो चेम्बर्स है, ऑरिकल एंड एट्रिया दे आर चेम्बर्स, एंड आप जो एओर्टा बोल रहे हो वो आर्टरी है, एक तरह की आर्टरीज एंड वेन्स पढ़े थे ना, तो उसमें एक टाइप की आर्टरी होती है एओर्टा। ठीक है, चलो, तो दीज आर अपर, ऊपर की तरफ है अपर, कॉमा स्मॉलर, कॉमा थिन वॉल्ड रिसीविंग चेम्बर्स। देखो हर एक वर्ड का एक मतलब है ना, अपर मतलब ऊपर की तरफ है, उसके बाद क्या लिखे हैं, स्मॉलर है मतलब वेंट्रिकल से छोटे होंगे साइज में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे हैं, थिन वॉल्ड है मतलब उनकी वॉल्स थिन नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, जैसे आर्टरीज और वेन्स में भी अपन ने पढ़ा था ना कि आर्टरीज की वॉल्स थिक थी बट वेन्स की वॉल थिन थी, इसका कारण क्या था कि आर्टरीज में ब्लड बहुत हाई प्रेशर से हाई स्पीड से जाता है, इसलिए वॉल मोटी होनी जरूरी है, अदरवाइज वो फट जाएगी वॉल। इन द सेम वे आपके जो ऑरिकल्स हैं उनको उतना ज्यादा प्रेशर से ब्लड को कहीं भेजना नहीं होता, ऑरिकल्स को, वो सिर्फ रिसीविंग चेम्बर है, रिसीविंग वर्ड लिख लिया, वो सिर्फ क्या है, रिसीविंग चेम्बर है, वो बस रिसीव करते हैं, कहीं से ब्लड आ रहा है ये रिसीव करके नीचे वेंट्रिकल को दे देंगे, दैट्स इट। इनको कहीं पहुंचाना नहीं होता ब्लड, पहुंचाने के लिए क्या होता है, बहुत तेजी से उनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तब तो वो ब्लड दूर तक जाएगा ना, इनको तो क्या है, जो ब्लड इनके पास पहुंचा है उनको बस नीचे डालना है, उसमें भी उनको कुछ मेहनत नहीं करनी, ग्रेविटी के कारण तो वैसे भी नीचे जाने वाले, अगर एक चेंबर ऊपर है दूसरा चेंबर नीचे है तो ऑब्वियसली
जो ब्लड ऊपर है वो तो ट्रैवल करके नीचे जाएगा ही ना बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इसलिए इनकी वॉल्स थिन होती है, इनको थिक वॉल की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो अपर स्मॉलर थिन वॉल्ड। और चौथा पॉइंट क्या लिखे हैं, रिसीविंग चेंबर, मतलब ये रिसीव करेगा। ठीक है, वेंट्रिकल्स जो अपन पढ़ेंगे ना, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये रिसीव करता है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, समझ रहे हैं, उल्टा चीज है ना, रिसीव किया एक बांटेगा, एक ले रहा है एक दे रहा है। ठीक है, ओके, रिसीविंग चेंबर फुल स्टॉप। राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय, आर सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय अ थिन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। देखो ये भी वर्ड याद रखना आसान है, सेप्टम का मतलब ना सेपरेशन होता है, सेप्टम मतलब सेपरेशन। ठीक है, और इंटर का मतलब बीच में, और ऑरिकल ऑरिकुलर आया है ऑरिकल से, दो ऑरिकल्स के बीच में एक सेपरेशन हो गया, जैसे इस क्लासरूम और इस क्लासरूम के बीच में एक सेपरेटिंग वॉल है ना, तो इस क्लासरूम की आवाज को उस क्लासरूम में जाने से रोकती है, राइट। इन द सेम वे एक ऑरिकल, अगर ये आपका हार्ट है, ये अगर एक ऑरिकल है दिस वन एंड ये दूसरा ऑरिकल है, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक थिन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकेगा। ये दोनों रिसीविंग चेंबर्स हैं, अपन लिखे ना ऊपर की ऑरिकल्स आर रिसीविंग चेंबर्स, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है जिसको अपन प्योर ब्लड भी बोल देते हैं, और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और दोनों एक साथ रिसीव करते हैं। ऐसा नहीं कि जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है तो ये खाली बैठा है, ये उसी समय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव करता है, मतलब दोनों काम एक साथ होते हैं, राइट। तो ऐसा ना हो कि दोनों ब्लड मिक्स होता है, फिर क्या मतलब उसको ऑक्सीजनेटेड करने का, एक प्योर चीज को इम्प्योर से सेपरेट करने का कारण क्या होता है कि वो प्योर चीज इम्प्योर ना हो जाए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, एक प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड से सेपरेट क्यों रखा जा रहा है, ताकि वो प्योर ब्लड इम्प्योर ना हो जाए, तो इसलिए ये सेप्टम है बीच में, क्लियर है, ओके, बाय अ थिन इंटर ऑरिकुलर सेप्टम फुल स्टॉप। राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रैकेट में ना इम्प्योर निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड के ब्रैकेट में इम्प्योर, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स by veins। याद करिए अपन ने veins में लिखा था ना पहला point ही कि veins generally carry deoxygenated blood, याद है अदर point generally भी लिखे थे कि veins generally deoxygenated blood carry करती है, तो veins का काम क्या होगा, हमारे पूरे body part से, heart तो यहाँ है, heart के ऊपर भी एक body part है upper body part और heart के नीचे भी एक body part है lower body part, तो कुछ वेन्स नीचे से इम्प्योर ब्लड और कुछ वेन्स ऊपर से इम्प्योर ब्लड को लाके राइट ऑरिकल में दे देगी, समझ रहे हैं, तो राइट ऑरिकल का काम क्या है, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेन्स, पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आएगा, क्लियर है, यही होगा मैं राइट ऑरिकल, ये तो लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा ना, मान लो यहीं से हार्ट चालू हो रहा है तो ये राइट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, सही बोल रहा हूँ, और अगर मैं इसी को डायग्राम बनाऊंगा ऐसे उठाया, मान लो समझ लो ये राइट ऑरिकल है ये लेफ्ट ऑरिकल है, और ऐसे उठाया मैं और ऐसा लाके डाल दिया तो ये राइट होगा ना और ये लेफ्ट होगा, समझ रहे, तो अगर मैं ये हार्ट बनाता हूं तो दिस विल बी द राइट ऑरिकल
एंड दिस विल बी द लेफ्ट ऑरिफिस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो राइट में बना है, ये लेफ्ट में बना है, तो ये लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट कैसे होता है। अब ऐसे खड़े हो ना, तो ये मेरा राइट साइड है ना, इसी को तो मैं यहाँ बनाया है और यही वाला पार्ट यहाँ दिख रहा है, समझ गया ना, क्लियर है? ठीक है, तो ये बोल रहे थे, तो राइट ऑरिकल क्या करेगा, इसको दोनों तरफ से वेन्स आएंगी, एक वेन्स ऊपर से आ रही है और एक वेन नीचे से आ रही है, और ये दोनों ही वेन्स इसको क्या सप्लाई करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ रहे हैं क्या सर? ठीक है, तो ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू राइट ऑरिकल में आएगा। ठीक है, ऊपर का बॉडी पार्ट तो यहाँ लेके आएगा, फिर नीचे आ रहेगा यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, यहाँ जाने के बाद, मतलब जाने से पहले, क्योंकि यहाँ एक ही ओपनिंग है ना, राइट ऑरिकल में जो ओपनिंग है ये एक ही है, ऐसा नहीं कि हर वेन के लिए अलग अलग ओपनिंग है, यहाँ बिफोर going to right auricle blood yahi pe mix hoke andar chala jayega. theek hai, chalo full stop aake likha septum prevents the mixing of acha pura left auricle ke bare mein nahi likha na kuch, इसको काटो तो फिर से लिखेंगे बाद में। अभी आप लोगों ने क्या लिखा है कि राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स बाय वेन्स, व्हाइल लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स सर मिक्सिंग ऑफ के बाद लिखना है, उसको काटने बोला ना, व्हाइल लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्रैकेट में प्योर, व्हाइल लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्रैकेट में प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स by pulmonary veins. इसमें क्या लिखे, while the left auricle receives oxygenated यानी कि pure blood from lungs by pulmonary veins. ठीक है, इसलिए तो जनरली वर्ड लिखे थे ना, क्योंकि यहां जितनी भी वेन्स आ रही हैं वो इम्प्योर ब्लड लेके आ रही हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, और जो लंग्स से वेन्स आ रही हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं, समझ रहे हैं? तभी अपन ने वेन्स में ऐसा नहीं लिखा था कि वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक वेन ऐसी है, बोला था स्पेशल नाम पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑरिकल तक लेके आती है, समझ गए? तो एक ऑरिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है और दूसरा ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है लंग्स से, और ये दोनों को मिक्स नहीं होना है, इसलिए सेप्टम है। तो अब वो लाइन लिखना, सेप्टम प्रिवेंट्स, फुल स्टॉप डाल के, सेप्टम प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्लड, septum prevents the mixing of two types of blood. ठीक है, दोनों ने रिसीव किया, अब इनका काम बस इतना है कि ये नीचे जो एक वॉल्व है उस वॉल्व के थ्रू ना ये नीचे वेंट्रिकल्स को ब्लड दे दे, वॉल्व
वॉल्व का काम याद है, वॉल्व अपन पढ़े थे ना, वेन्स में वॉल्व होते हैं, उनका काम क्या था? सिर्फ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होने देगा, बैक फ्लो होने नहीं देगा, मतलब यहाँ भी ब्लड सिर्फ ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में ना जाए, वो तो ऐसे भी नहीं जाएगा ना शुरू में, तो क्योंकि ये तो वैसे भी ऊपर है या नीचे है, तो ब्लड तो वैसे भी ऊपर से नीचे ही आएगा। यहाँ जाने का चांसेस कब है मैं आपको बताता हूँ, जब वेंट्रिकल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा ना ब्लड को भेजने के लिए, अभी तो इन्होंने रिसीव किया है, बट बॉडी के पास ये कहां से लेके आया है? बॉडी पार्ट से, राइट। ये भी कहां से लेके आ रहा है? बॉडी पार्ट से। और ये कहां से लेके आ रहा है? लंग्स से। बट इनके पास ब्लड पहुंचा कैसे? वेंट्रिकल्स पहुंचाएगा, समझ रहे हैं? एक वेंट्रिकल लंग्स तक ब्लड पहुंचाएगा और दूसरा वेंट्रिकल बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुंचाएगा, समझ रहे हैं क्या? तो जब ये पहुंचाने की बारी आएगी ना, तो ये नीचे से क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे, तो उससे क्या होगा? ब्लड बाहर निकलेगा ना, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे पॉलिथीन में पानी भर लो और पॉलिथीन को नीचे से दबाओ, तो पानी बाहर आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। उसी तरीके से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है ना, वो बाहर आने की कोशिश करेगा। अब बाहर आने के लिए ये दोनों को बंद हो जाएंगे, ये तो हमेशा बस ऊपर से नीचे आने वाले को ही अलाउ करेंगे, इनका दरवाजा जो है वो उस तरफ नहीं खुलता है, सिर्फ इस तरफ खुलता है। तो जब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये अपने आप बंद हो जाएंगे, ये दोनों वॉल बंद हो जाएंगे, ताकि ये ब्लड वापस से आपके ऑरिकल्स में ना जा सके, क्लियर है? तो ब्लड जाएगा कैसे? तो यहाँ पे एक और वेसल होगी जो यहां से ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगी, और यहां एक वेसल और होगी जो ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएगा, समझ रहे? जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड यहां से लंग्स में जाएगा और यहां से बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ऑब्वियसली ये अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो नीचे डीऑक्सीजनेटेड ही आएगा ना, ऑक्सीजनेटेड तो नहीं आ जाएगा, अभी तो ये सिर्फ ने इसने सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया है और नीचे छोड़ दिया। तो ये जो वेंट्रिकल है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड इसके अंदर भर के लंग्स में चला जाएगा, और ये होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। देखो जहां भी पल्मोनरी वर्ड यूज हो रहा है ना, दैट इज रिलेटेड टू लंग्स, ऑब्जर्व कर रहे हो चीज? इसका नाम था पल्मोनरी वेन क्योंकि ये लंग्स से आ रही थी, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि ये लंग्स में जा रही थी। तो पल्मोनरी वर्ड हम लंग्स के लिए यूज करेंगे, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो अब देखना यहां से यहां तक का पूरा सफर वापस। बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल ने उसको नीचे भेज दिया, वेंट्रिकल ने उसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक भेज दिया। लंग्स में ये ब्लड कैपिलरीज के पास जाएगा, वहां वो एल्वियोलाई के साथ एक्सचेंज मारेगा ना, रिलेट करो, रेस्पिरेशन में पढ़े थे अपन कि ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलाई के पास तक जाएंगी, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरा होगा, ये ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भरा होगा, दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड विल गो टू एल्वियोलाई एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई विल कम टू ब्लड। इस तरीके से ब्लड पूरा डीऑक्सीजनेटेड से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड, समझ गए? अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन कहां लेके आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। अब समझ में कड़ी जुड़ गई, हमको लग रहा था ना कि ये यहां से आया, ये यहां से आया, तो इनके पास ब्लड कहां से आया? इनके पास ब्लड हार्ट नहीं भेजा है, समझ रहे हैं? कहीं भी ब्लड जाने से पहले वो हार्ट के थ्रू ही जाएगा, क्लियर है? अब आ गया यहाँ पे प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ऑब्वियसली नीचे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। अब फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये जो आपका, इसी को एओर्टा बोलते हैं, ये आपका लार्जर आर्टरी है क्योंकि पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, राइट? तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, तो ये साइकिल चलती रहेगी, इसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। साइकिल क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अब फिर से यहां से बॉडी में ये ब्लड जब आएगा ऑक्सीजनेटेड, वो फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, उसको फिर वेंस राइट ऑरिकल में लेके आएंगे, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वो लंग्स में जाएगा, लंग्स उसको फिर प्यूरिफाई करके
लेफ्ट ऑरिकल में भेजेगा, लेफ्ट ऑरिकल उसको फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको फिर से बॉडी पार्ट में भेज देगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। बट ये जो सीक्वेंस मैंने बताया ना, इसमें ऐसा नहीं कि इसमें जब ब्लड आ रहा है तो बाकी तीनों खाली बैठे हैं चाय पी रहे हैं, ऐसा नहीं, सब साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ ब्लड रिसीव करते हैं और रिसीव करने के लिए उनका रिलैक्स होना जरूरी है। अगर ये सिकुड़े हुए होंगे, अगर ये दोनों सिकुड़े हुए होंगे तो ब्लड कहां से रिसीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो व्हाइल रिसीविंग द ब्लड बोथ द ऑरिकल्स शुड रिलैक्स, ठीक है। फिर जब इनको ब्लड नीचे देना है तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ग्रेविटी से भी ब्लड जाएगा अपने आप, नो डाउट, बट कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो जल्दी चला जाएगा, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पिचकेंगे, तो अपने आप यहां का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे और यहां का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे, समझ गए। उस समय इन दोनों को क्या करना है, रिलैक्स होना, रिसीव कर रहे हैं ना, जब भी कोई चेंबर ब्लड रिसीव कर रहा होगा इट शुड बी इन रिलैक्स स्टेट, समझ गए। और जब भी कोई चेंबर को ब्लड देना है कहीं पे, भले वो अपने अंदर चेंबर को क्यों ना देना हो या लंग्स को क्यों ना देना हो या बॉडी पार्ट्स में क्यों ना भेजना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझ में आ रहा है। तो पहले ये दोनों रिलैक्स किए, फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए, उसी समय ये दोनों रिलैक्स करेंगे और फिर लास्ट में इन दोनों आपस में एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, समझ गए, ताकि ये पूरा ब्लड लंग्स में भेज दे, ये पूरा ब्लड बॉडी पार्ट्स में भेज दे, समझ में आ रहा पूरा सीरीज। ऑरिकल का थिक वॉल्ड होता है, ऑरिकल को थिन वॉल्ड होता है ना, हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट वो कितने देर मतलब कितना इंटेंसिटी में हो रहे हैं, उनको तो बस नीचे ही भेजना है, वो इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हो रहे, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो आपके वेंट्रिकल होंगे क्योंकि इनको बहुत तेजी से पिचकना है, समझ रहे, क्योंकि इनको बॉडी पार्ट्स और लंग्स तक ब्लड पहुंचाना है, चलो लंग्स तो पास में ही है बगल के, समझ रहे, आप अपने घर की छत से बगल वाली छत में बॉल फेंकना हो तो ऐसे फेंक दोगे धीरे से, पर अगली गली में फेंकना तो जोर से फेंकोगे ना, बस वैसे ही है वेंट्रिकल्स और ऑरिकल भी, ऑरिकल को नीचे ही भेजना है, समझ रहे, बट इनको बहुत दूर तक ब्लड को भेजना है। अभी तो ये आर्टरीज में भेजना है, ये जो आपकी जो सबसे बड़ी आर्टरी है, आर्टरी का इसलिए तो वॉल थिक होता है ना ताकि वो इस प्रेशर को झेल सके, जब ये जोर से कॉन्ट्रैक्ट होगा ना ब्लड रश करके यहां से जाएगा बहुत तेजी से, तो दैट आर्टरी शुड बी एबल टू विदस्टैंड दैट प्रेशर, आपका आर्टरी इतना, उसकी वॉल्स इतनी मोटी होनी चाहिए कि वो प्रेशर को झेल सके, वरना लीकेज हो जाएगा, समझ रहे, लीकेज हुआ और अंदर ही क्लॉटिंग हो जाएगी ब्लड की, सुने कभी ऐसा होता है, बाहर तो क्लॉटिंग होती है ब्लड की जब खुद कट लगता है तो, बट अगर अंदर ही आर्टरीज या वेन्स फट गई तो ब्लड अंदर ही पूरा फैलने लगेगा बॉडी के अंदर और वहां पे क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा एंटायर बॉडी में, बट खुला खोला घूम रहा है तो आर्टरीज और वेन्स में है ना, क्या तो आपकी बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज भी है ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ओपन नहीं है, आपके ब्लड जो है वो पूरा आर्टरीज वेन्स में ही है, ठीक है। चलो क्या लिखिए, सेप्टम प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ ब्लड, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। एक लाइन और लिखना ऑरिकल के बारे में ही, फिर अपन वेंट्रिकल्स के बारे में लिखेंगे। Opening of auricle into ventricles are guarded by GUARDED are guarded by, कौन है दो गार्ड आपके, ये दोनों वॉल्स है ना, जो इन दोनों के बीच की ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं, ठीक है, are guarded by atrioventricular valves, देखो बहुत सिंपल सा नाम है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है ना, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, समझ गए ना, एट्रियो, एट्रिया मत लिखो, एट्रियो लिखो, ATRIO, एट्रियो लिखे, अब वेंट्रिकुलर लिखना है पूरा वेंट्रिकल तो पता ही है, वेंट्रिकुलर लिखना है उसको,
और बोल, समझ गए? अरे आया ना, ठीक। तो ओपनिंग ऑफ ऑरिकल इनटू वेंट्रिकल्स आर गार्डेड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स विच अलाउ ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, विच अलाउ ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। और यूनिडायरेक्शनल कैसा होगा? ऑरिकल से वेंट्रिकल, ना कि वेंट्रिकल टू ऑरिकल। वेंट्रिकल से ऑरिकल में ब्लड नहीं जाना चाहिए, ठीक है? ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगा, क्लियर है? ओके, सेकंड लिख लो वेंट्रिकल्स, ये सब ऑरिकल के अंदर ही लिखे हो ना। हाँ, अगला हेडिंग वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स। अब जैसे उसमें लिखे यहां पे वैसे पॉइंट्स लिखना, बस ऑपोजिट लिखना है। क्या क्या लिखे थे उसमें पढ़ते जाना, वहां पे अपन चालू किया था, दीज आर अपर से चालू किया था। देखो ना एक बार, नहीं इसका कोई और, ठीक है? तब इसमें इसका लिखना चालू करो, क्या चालू करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे? दीज आर लोअर, फिर क्या लिखवा लिखे थे, स्मॉलर था, यहाँ लार्जर या बिगर। दीज आर लोअर लार्जर, वहां थिन वॉल्ड था ये, एंड थिक वॉल्ड। तो यहां क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर, थिक वॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स। देखो ये भी तो दोनों में एक इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है और एक प्योर, है ना? जैसे ऑरिकल में राइट ऑरिकल इम्प्योर रिसीव कर रहा था, लेफ्ट वाला प्योर, वैसे ये भी इम्प्योर और प्योर, तो यहां भी सेपरेशन जरूरी है कि नहीं? वरना दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो क्या मतलब दिया प्योर करने का? तो जैसे यहाँ पे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम था, वैसे इस सेप्टम का नाम क्या हो जाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। लिख लो अगला एंड के पेपर, वही लिखे ना उसके लिए, क्या लिखे हो? ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है? इसमें ऐसा लिख लो, राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी वेंट्रिकल्स, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब सेप्टम का मतलब समझ में आ गया ना, ये दोनों टाइप के ब्लड को मिक्स होने से रोकेगा, बचाएगा, ठीक है? क्या होगा? हाँ ये ठीक होगा, वो थिन लिखे थे क्या? ठीक, चलो नेक्स्ट, अगला इसी में लिखना। पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकलती है? देखो पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट की राइट ऑरिकल से जा रही है, तो पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी arises from pulmonary artery arises from right ventricle, और उसका फंक्शन क्या है? इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ठीक है? तो क्या लिखे हैं, राइट वेंट्रिकल एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, एंड कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड to the lungs, deoxygenated blood to the lungs. ठीक है? while aorta, aorta arises from कहां से आ रही है वो? arises from the left ventricle और कर क्या रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके बॉडी पार्ट्स तक लेके जा रही है, ठीक है? तो arises from left ventricle and carries oxygenated blood to other body parts,
टू अदर बॉडी पार्ट्स, लंग्स नहीं जाएगा ना, टू अदर बॉडी पार्ट्स, टू अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट एक नहीं डालना, डबल सर्कुलेशन, अगला हेडिंग डालना डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, देखो इसका क्या मतलब है डबल सर्कुलेशन, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल, और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है लेफ्ट ना, ठीक है। तो देखो पहला सर्कुलेशन क्या हो रहा है, ध्यान देना, इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया थ्रू पल्मोनरी आर्टरी एंड प्यूरिफाई होके प्योर ब्लड लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में आया थ्रू पल्मोनरी वेन, ये हो गया एक सर्कुलेशन, हार्ट से निकल के लंग्स से होते हुए वापस हार्ट में आ गया, तो एक सर्कुलेशन हो गया ना, एक साइकिल हो गई। अब दूसरी साइकिल क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड बॉडी पार्ट्स में गया और बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में आ गया, एक और सर्कुलेशन हो गया। इसका मतलब प्योर ब्लड को एक बार सप्लाई करने के लिए, पूरी बॉडी में प्योर ब्लड को एक बार सप्लाई करने के लिए आपका जो ब्लड है ना वो हार्ट से दो बार होके गुजर रहा, डबल सर्कुलेशन, एक ये हुआ, एक बार ये गुजरा और दूसरा ये, पर ये दोनों बार में सप्लाई तो एक ही बार हो रही है बॉडी बॉडी में प्योर ब्लड की, समझ रहे हैं, टू सप्लाई वंस टू द बॉडी द ब्लड इज सर्कुलेटिंग ट्वाइस इन द हार्ट, समझ रहे हैं, मतलब क्यों डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं अपन, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज इन द हार्ट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, उसको डबल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज टू सप्लाई वंस टू द बॉडी द ब्लड इज सर्कुलेटिंग ट्वाइस इन द हार्ट, समझ रहे हैं डेफिनेशन लिखना इसकी डबल सर्कुलेशन की, इन डबल सर्कुलेशन, इन डबल सर्कुलेशन, इन डबल सर्कुलेशन, इन डबल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस ट्वाइस, इन डबल सर्कुलेशन द ब्लड पासेस ट्वाइस, द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट, थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, क्लियर डेफिनेशन सबको, द ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, ठीक है। पुस्तक द टू सर्कुलेशंस आर, द टू सर्कुलेशंस आर, द टू सर्कुलेशंस आर, इस पे नाम देना, फर्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी देखो अगेन पल्मोनरी वर्ड आया, मतलब इस सर्कुलेशन में लंग्स इन्वॉल्व होंगे, समझ रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख लो, इन दिस ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन, इन दिस ब्लड completes its circulation from क्या ऑरिकल वेंट्रिकल के नाम से बताओ ना, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू लंग्स, राइट है ना, अरे सबसे पहले राइट वाले पे ही इम्प्योर ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स एंड लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, तो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल, सही है,
राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल थ्रू द लंग्स, थ्रू द लंग्स, थ्रू द लंग्स, है ना। और इसमें कौन कौन से आर्टरीज वेन्स इन्वॉल्व है, पल्मोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है और पल्मोनरी वेन इन्वॉल्व है। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है और पल्मोनरी वेन प्यूरिफाइड ब्लड लेके आ रही है लेफ्ट ऑरिकल में, समझ गए, क्लियर है। सेकेंड टाइप का लिखना, सेकेंड टाइप का सर्कुलेशन, पल्मोनरी के बाद सेकेंड टाइप का सर्कुलेशन है आपका सिस्टमिक, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक। अब इसका नाम देखो सिस्टमिक क्यों पढ़ना चाहिए बताओ, क्योंकि पूरा बॉडी सिस्टम से होके आ रही है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन। पाएंगे देखो, अनीश क्या लिखा है, बोल अनीश, उसकी कॉपी क्या देख रहा है, देखो नहीं समझाया होंगे मैं, हाँ बोल जोर से, फ्रॉम क्या लिखा है, बोल लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट से क्या, बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में आएगा, राइट। तो लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑरिकल टू द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी सिस्टम जो लिखना, चले ठीक है, ठीक है। और इसमें आपका क्या इन्वॉल्व है, एक तो एओर्टा और एक आपकी वेन्स, ठीक है। अब वो वेन्स है ना, दो टाइप की वेन्स है, एक आपकी अपर बॉडी से ब्लड लेके आ रही है और एक लोअर बॉडी से। तो अपर बॉडी वाले वेन्स को अपन सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं, वेना केवा नाम का वेन है, दोनों ही वेना केवा, एक अपर बॉडी से हार्ट पे लेके आ रहा है और एक लोअर बॉडी से हार्ट, जो मैं यहां बनाया था, समझ रहे, जो इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में लेके आ रहा है, वेन्स देखिए ना, वेन्स उसका नाम नहीं लिखे थे, वो नाम मैं अभी बता रहा हूं आप लोग को। एक है सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से लेके आ रही है और एक है इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं, नोट करके लिख लो, नोट करके द वेन्स दैट कैरी, द वेन्स दैट कैरी, द वेन्स दैट कैरी deoxygenated blood, the veins that carry deoxygenated blood, the veins that carry deoxygenated blood from body parts to right auricle, right ही है ना कि left है, हाँ right auricle, to right auricle are called superior and inferior vena cava, superior and inferior, superior ऊपर के body part से, inferior नीचे के body part, superior and inferior vena cava, V E N A C A V A, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट हैंड डालना स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट, स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट, स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब स्टेजेस की वेजेस, स्टेजेस स्टेज, स्टेजेस ऑफ हार्ट बीट। देखो यहाँ पे हार्ट बीट का मतलब ये है कि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, पंपिंग, इसमें तो पंप बोलेंगे ना, कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग पंपिंग, इसी को अपन पंपिंग एक्शन बोलते हैं। तो उसको ना अपन एक वर्ड और है, अपन रिलैक्सेशन के लिए ना एक और वर्ड यूज करते हैं, उसको अपन कहते हैं डायस्टोल। तो मतलब रिलैक्सेशन ही होता है पर इसको कहा जाता है डायस्टोल, ठीक है। और वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, इसे अपन कहते हैं सिस्टोल, डायस्टोल एंड सिस्टोल। याद रखने के लिए ये क्या होता है डॉक्टर ना डीआर, जानते ना डॉक्टर को डीआर बोलते ना शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो डी स्टैंड्स फॉर डायस्टोल, डी स्टैंड्स फॉर डायस्टोल एंड आर स्टैंड फॉर रिलैक्सेशन, ठीक है। ये मेरा तरीका याद रखने, तो आप लोग अपना ध्यान, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा ऐसे। डॉक्टर को पता ना डीआर होता है, बस खत्म, डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, क्लियर है। ठीक है, अभी अभी तक अपन रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन ही बोल रहे थे कि जब भी कोई चेंबर ब्लड रिसीव करेगा इट विल रिलैक्स, और उसको अगर ब्लड देना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पिचकेगा, समझ रहे, क्लियर है। तो यहाँ पे अब अपन वर्ड यूज करेंगे डायस्टोल एंड सिस्टोल। याद हो जो प्रेशर कल मैंने लिखा था 120/80, ये ब्लड का प्रेशर है ना व्हेन इट फ्लोज इन आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। तो 120 हायर है, 80 लोअर प्रेशर है, राइट। तो ये दोनों प्रेशर में एक प्रेशर सिस्टोलिक है और एक प्रेशर डायस्टोलिक है, तो कौन सा सिस्टोलिक होना चाहिए, कौन सा डायस्टोलिक होना चाहिए? 120 वाला सिस्टोलिक, क्योंकि सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, इसका ना आपका हार्ट तभी तो तेजी से ब्लड जाएगा तब उस समय प्रेशर ज्यादा होगा। तो 120 जब जो पहला नंबर लिखा रहता है दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो दूसरा लिखा रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं डायस्टोलिक। रिलैक्सेशन के समय जब आपका चेंबर सब रिलैक्स है तब ब्लड उतनी स्पीड से उतने प्रेशर से नहीं जाता, इसलिए कम है प्रेशर को, ठीक है, और सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके बारे में लिखेंगे रिलैक्सेशन एंड सिस्टोल एंड डायस्टोल क्या होता है, पहले क्या होता है उसका स्टेजेस, मतलब एक के बाद एक चीजें जो हो रही है वो क्या हो रही है, अपन आप डिस्कस जरूर कर ले कि पहले दोनों रिसीव करेंगे ऑरिकल्स, ध्यान देना इधर, पहले दोनों ऑरिकल्स रिसीव करेंगे ना, तो पहले दोनों को रिलैक्स होना, सबसे पहला स्टेज क्या होना चाहिए ऑरिकल्स का रिलैक्सेशन। तो पहला स्टेज का नाम है ऑरिकुलर डायस्टोल, क्या नाम है ऑरिकुलर डायस्टोल। उसके बाद दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसी समय वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना चाहिए, ये तो दोनों साथ में होगा ना, मैं दूंगा और आप लोगे तभी तो प्रोसेस कंप्लीट होगा ना, तो दोनों चीजें साथ में होना चाहिए, मतलब दोनों का हाथ एक साथ बढ़ना चाहिए, समझ रहे, देने वाले का भी और लेने वाले का भी हाथ बढ़ना चाहिए ना। तो सिस्टोल, इसका सिस्टोल और वेंट्रिकल्स का डायस्टोल साथ में होना चाहिए, ये दे रहा है इसके सिस्टोल है और वो ले रहा है इसके वो डायस्टोल है, ठीक है। तो मतलब ऑरिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल साथ में होगा, समझ रहे, और लास्ट में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, समझ में आ रहा है, पक्का क्लियर है ना। इसको अपन लिखेंगे तीन स्टेज हो गए ना, स्टार्टेड विद ऑरिकुलर डायस्टोल, देन ऑरिकुलर सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड लास्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है, ठीक है। तो जो जिनको मैंने बोला है पढ़ के आने के लिए वो यहाँ तक पढ़ेंगे, 5-6 लोग का जो मैंने नाम लिया, ठीक है, उनके लिए यहीं से क्वेश्चन मैं फ्रेम करके दूंगा आफ्टर द क्लास, ठीक है, एक मिनट। हाँ MMHG, ठीक है। इसके बाद जिसने भी